जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों इस खेत तालाब में एक नसल स्वाइपर से घिरा हुआ है और यहाँ हम पहुँचे आज महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ है ये और ये सास गांव है, सास अहमदनगर जिला आता है, नगर पुणे रोड। और इन्होंने हमें कॉल किया था, यहाँ पर जो वर्कर लोग इन्होंने कॉल किया और यहाँ पर हम पहुँचे सांप को रेस्क्यू करने के लिए। आप देख सकते हैं सांप जो है बाहर आने के लिए तरस रहा है, ऐसे सांप पानी में जीते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8 दिन 10 दिन या बहुत से बहुत एक महीने तक पानी में रह सकते हैं, इसके बाद ये मर जाते हैं। इसलिए ऐसे सांपों को जो फंसे हुए थे खेत तालाब में या कुएं में इनको बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के हम ये इसको रेस्क्यू करते हैं और इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों काफ़ी ये सांप वीक हो चुका है और ये कुछ दिन इसमें रहता तो ये शायद मर जाता, 100% मर जाता। अभी इसकी हालत बहुत गंभीर है, फिर भी ये अपनी केचुली उतारना चाहता है। जब ये अपनी केचुली उतारेगा तब ये फुर्तीला हो जाएगा और फिर से शिकार करके ये जैसा था वैसा हो जाएगा, लेकिन इसको हमें पर्यावरण में छोड़ना चाहिए। तो अभी हम इसको पर्यावरण में रिलीज़ करेंगे, इससे पहले यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दूँगा। एक रसल वाइपर स्नेक है जिसे भारत में चित्ती, हिंदी में चित्ती नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में इसे घोनस के नाम से जानते हैं और अपने भारत देश में हिंदी में चित्ती और एक परन नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये सांप काफ़ी जहरीला होता है, इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। ये सांप ज़्यादातर खेत के आसपास जो सूखा घास है उसमें रहते हैं, पत्थरों में जो ईंटों के टुकड़े उसमें भी रहते हैं और जबरन ये कभी काटता नहीं, जब उसके ऊपर आप गलती से पैर दे दोगे तभी ये काटेगा, ऐसे काटेगा नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये कितना शांत हो चुका है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, बहुत ही धीरे धीरे अपना ये मूवमेंट कर रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर ये अच्छा खासा होता तो ये तुरंत बाइट कर लेता, लेकिन इसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि ये बाइट करने की मूवमेंट बाइट करने का भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये शायद ही पर्यावरण में रहने के बाद ये ठीक से जैसा था वैसा हो जाए। अभी हमने तो इसको रेस्क्यू कर लिया है, बचा लिया है, अभी हम तुरंत इसको पर्यावरण में ले जाएंगे और रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये काफ़ी वीक हो चुका है और अभी इसको हम यहाँ पर्यावरण में रिलीज करेंगे। दोस्तों आपने देखा इस सांप को हमने पर्यावरण में रिलीज़ किया, काफ़ी वीक हो चुका है, शायद इस पर्यावरण में रहने के बाद ये फिर जैसा था वैसा हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।